गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस में सीक्वेंस की क्लास आपकी अर्थ है। सेवेंथ क्लास इसके पहले तक दी जा चुकी है। आइए इसमें हम डिस्कस करते हैं कॉसी सीक्वेंस के बारे में। कॉसी सीक्वेंस a sequence xn is set to be a Cauchy sequence. A sequence xn is said to be a Cauchy sequence if each positive number epsilon greater than zero कहने की कोई जरूरत नहीं है। इस पॉजिटिव नंबर epsilon there exist n belongs to natural number. There exist n naught belongs to natural number such that m or n belongs to जो है ये ऐसे लिख सकते हैं such that m greater than equal to n naught. This implies that for all m n greater than n naught ये यक्स यम माइनस यक्स यक्स एन माइनस यक्स यम मॉड ऑफ दिस लेस देन एप्साइलन ये आगे लिख सकते हैं फॉर ऑल एन यम इज ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट ऐसे। ये आपकी कॉसी सीक्वेंस होगी अगर उसमें से कोई या नॉट लिया, यानी या नॉट माने सीक्वेंस के कुछ नंबर्स के बाद। सीक्वेंस के या नॉट का मतलब हुआ या नॉट यानी कि चौथा पांचवा आठवां दसवां टर्म के बाद जो कंडीशंस आएगी, जितने भी यम और यन हमको मिलेंगे, दो टर्म मिलेंगे, उन दो टर्म के बीच में हम अगर निकालेंगे तो वो हमें एवरी एप्साइलन के लिए वो चीज़ ट्रू मिलनी चाहिए। ये है कॉसी सीक्वेंस। इसको और आप ऐसे भी लिख सकते हैं for all n and p is greater than आपका
फॉर ऑल एन एंड पी इज ग्रेटर देन जीरो एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, एन इज ग्रेटर देन एन नॉट एंड पी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी एम की जगह दो टर्म लेंगे तो पी आपका कोई नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, इसे भी लिख सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज नोन एज फंडामेंटल फंडामेंटल सीक्वेंस। इसको हम फंडामेंटल सीक्वेंस भी कहते हैं कॉसी सीक्वेंस को। तो इस तरह से ये आपकी कॉसी सीक्वेंस होगी। और कॉसी सीक्वेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स एन आपने लिया वन वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव डॉट डॉट वन बाई एन वन बाई एन, ये आपने कॉसी सीक्वेंस ली है। और इसके बाद जो है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड एन इज ग्रेटर देन एम, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन एम एंड एक्स एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन दिया है। माय डियर एक्स एन जो हमारा क्या दिया है, एक्स एन इक्वल टू वन अपॉन एन। अब आप यूज करेंगे तो लिखेंगे एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लेंगे एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एम इक्वल टू लिख सकते हैं। इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, टर्म लिखेंगे तो वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम दिस इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन एन माइनस एन मॉड ऑफ दिस अपॉन एन एम एन एम ऐसे लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस एम, चूँकि मॉड जब लेंगे मॉड यानी एन इज ग्रेटर देन एम, एन यहाँ पे क्या है बड़ा है तो आपने यहाँ पे एम माइनस एन है लेकिन ये निगेटिव नंबर्स आएगा तो हमने क्या किया एन माइनस एम कर दिया, एन माइनस एम अपॉन एन एम दिस इज इक्वल टू एन माइनस एम अपॉन एम एन इंटू वन अपॉन एम, इसको ऐसे लिख दिया। अब हम देखते हैं यहाँ से थोड़ा चेक करते हैं, यानी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसमें एन से डिवाइड कर दें, एन से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स में तो आपके पास हो जाएगा एन माइनस एम अपॉन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब दिस वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है माय डियर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड अब इसमें से देखते हैं जो है एन माइनस एम,
एन माइनस एम इज लेस देन एन, एन माइनस एम, चूँकि एन माइनस एम लेस देन एन को क्यों होगा भाई, क्योंकि एन बड़ा है, एन एन में से कुछ माइनस कर रहे हो, एन एन भी एक पास्ट नंबर है, एम भी एक पास्ट नंबर है, अगर इसमें कोई चीज़ एन में माइनस कर रहे हो उसके उसी से लेस देन हो जाएगी आपकी, तो इसका मतलब है एन माइनस एम इज लेस देन एन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एन माइनस एम अपॉन एन इज लेस देन वन, इज लेस देन वन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू एन बाई एन, यानी कि ये आपके पास कंडीशन बनी जो है, ये आपके पास बन गया एन माइनस एम, तो ये कंडीशन हो गई आपकी, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन वन बाई एम, सिंस सिंस एन माइनस एम बाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू वन। चूँकि ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली, ये वाली, ये क्या है, एक से छोटी है, जब किसी छोटे वन से लेस वैल्यू, यानी रेशनल नंबर से आपका, और रेशनल नंबर से जब आपका है तो इसका मतलब ये आपका ये लेस हो जाएगा, इससे ये चीज़ लेस हो जाएगी। अगर मान लीजिएगा आपके पास, मान लीजिए कि जो है ये वन बाई एम, वन बाई एम इक्वल टू थ्री ले लीजिएगा, थ्री ले लीजिएगा, अब जो है थ्री, थ्री में से कोई एक वन से छोटी वैल्यू, वन से छोटी वैल्यू माने वन बाई टू ले लीजिएगा, तो लेस देन आपकी हो जाएगी थ्री आपकी, ये क्या हो जाएगी, लेस देन थ्री हो जाएगी। इसका मतलब हुआ माय डियर कि दिस इज लेस देन एम, दिस इज लेस देन वन अपॉन एम। नाउ तो एक्स एन माइनस एक्स एम, एक्स एम इज लेस देन, सीधा चले जाइएगा यहाँ से, इसको उठाइएगा, लेस देन वन अपॉन एम, लेस देन वन अपॉन एम, लेस देन वन अपॉन एम, एंड जो है टू बी टेक हियर, वी टेक एप्साइलन इक्वल टू वन अपॉन एम, एप्साइलन इक्वल टू वन अपॉन एम टेक करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका देन एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्साइलन, लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ओके, दिस इज द कॉसी सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, कॉसी सीक्वेंस बाई डिफिनीशन ऑफ दिस, बाई डिफिनीशन ऑफ दिस, हेंस हेंस दिस दिस सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज कॉसी सीक्वेंस, कॉसी सीक्वेंस। एक क्वेश्चन देखते हैं, एवरी कॉसी सीक्वेंस, एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कन्वर्स इज
कन्वर्स इज मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्स इज मे नॉट बी ट्रू, यानी एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, जो भी जितनी भी कॉसी सीक्वेंस मिलेंगी वो तो वो सब बाउंडेड मिलेंगी, बट कन्वर्स यानी बाउंडेड सीक्वेंस से तो वो कॉसी होगी, ऐसा संभव हो सकता है, हो भी हो सकता है, नहीं भी हो। तो इसलिए हम जो है सॉल्यूशन देखते हैं, लेट रिएक्शन बी ए कॉशी कॉसी सीक्वेंस, अब ये कॉसी सीक्वेंस है, देन कॉसी सीक्वेंस है, देन ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एन नॉट, देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्सियन माइनस एक्सियन माइनस एक्सियम इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब देखिएगा, अब हम वी टेक हियर वी टेक एप्सिलॉन इक्वल टू वन, एप्सिलॉन इक्वल टू वन टेक करते हैं हम यहाँ पे, तो लिख सकते हैं देन एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन वन। दिस इम्प्लाइज दैट xn माइनस xm इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि बाई मॉडुलस फंक्शन, बाई डिफिनीशन ऑफ मॉड फंक्शन, यानी मॉड फंक्शन ब्रेक होता है तो इस तरह से ब्रेक होता है, कई जगह आपको बता चुके हैं। तो इसका मतलब माइनस वन दिस इज इक्वल टू दिस, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो इम्प्लाइज दैट एक्सियम माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सियन एंड लेस देन इक्वल टू वन एक्सियम प्लस वन एक्सियम प्लस वन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जो है एक्सियम, इसको आप जो है एक्सियम दिस फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट के लिए, एन इज ग्रेटर देन एन नॉट के लिए हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे हमें जो है स्मॉल के लेते हैं, के इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट एक्स एन नॉट एक्स एन नॉट एक्स एन नॉट एंड एक्स एक्स एम माइनस वन, इसमें जो छोटा हो
इन सब में से, यानी कि आपके सीक्वेंस के टर्म कैसे होंगे, या नॉट तक तो आपकी कोई बात, या नॉट से बड़े की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है या नॉट से या नॉट तक नंबर में कोई बड़ा नंबर मिल जाए, या हो सकता है इससे एक्सीएम माइनस वन तो है ही गया आपका, तो इसमें से इस नंबर में से यानी इस नंबर में से और इन नंबरों में से जो सबसे मिनिमम हो उसे हम स्मॉल के यूज कर सकते हैं, एंड कैपिटल के यूज करेंगे मैक्स ऑफ यानी मैक्सिमम ऑफ यक्स वन यक्स टू यक्स थ्री डॉट डॉट यक्स नॉट, एंड दूसरा नंबर क्या होगा यक्स एम प्लस वन, इसमें से मैक्स जो बड़ा नंबर हो, इसमें से जो बड़ा नंबर हो उस नंबर को हम यूज कर लेंगे। देयरफोर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जो है कि स्मॉल के से बड़े नंबर यक्सियन एंड छोटे नंबर कैपिटल के से, स्मॉल के कैपिटल के, ये आपके दो नंबर मिले माय डियर। तो स्मॉल के एंड कैपिटल के ये इसके बीच में आ गया, यक्सियन कहाँ के बीच में आ गया, इसके बीच में आ गया, इन दोनों नंबर्स के बीच में। दिस इंप्लाइज दैट यक्सियन इज बाउंडेड, एक्सियन इज बाउंडेड सीक्वेंस, एक्सियन इज बाउंडेड सीक्वेंस बट हियर देखिएगा एक्सियन इज बाउंडेड सीक्वेंस बट आपके पास देखे जो है ये एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल आप दे बंद कर देंगे काउंटर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल लेंगे माइनस वन के पावर एन दिस सीक्वेंस आपको पता है किस प्रकार की सीक्वेंस है आपके पास, कई बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं, यानी माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन, इस तरह से आपकी सीक्वेंस है। देखिए बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन ये कॉसी सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि कॉसी सीक्वेंस के लिए सबसे पहले सारे टर्म पॉजिटिव टर्म होना चाहिए। कॉसी सीक्वेंस के लिए सारे टर्म कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, जबकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म है, तो इसका मतलब हुआ आपके पास ये कॉसी सीक्वेंस नहीं है लेकिन बाउंडेड है आपकी, बाउंडेड है क्योंकि वन इसकी ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड है आपकी, तो बाउंडेड तो है लेकिन ये कॉसी सीक्वेंस नहीं है, बाउंडेड एक नोट लिख लीजिए नोट में आपके पास है वह नोट में हिब्री कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट वन लीफ इट इज कॉसी ए sequence xn is convergent sequence axn is convergent sequence if and only if it is a Cauchy sequence, अगर आपके पास a sequence xn is convergent if and only if it is a Cauchy sequence, अगर वो कॉसी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, अगर वो कॉसी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और कन्वर्जेंट है तो कॉसी सीक्वेंस होगी, दोनों कंडीशंस हैं आपकी। अगर वो कन्वर्जेंट है तो कॉसी सीक्वेंस है, अगर वो कॉसी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट है। आइए आप एक एग्जाम्पल देखते हैं,
एक्सएल इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर प्लस डॉट डॉट प्लस वन अपॉन एन, वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन, वन अपॉन एन डज नॉट कन्वर्जेंट, डज नॉट वन अपॉन एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ये आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। अब हम इसको ये प्रूफ कर देंगे टू प्रूव दैट सॉल्यूशन में क्या है, टू प्रूव दैट इट इज़ नॉट ए कॉची सीक्वेंस, क्योंकि अगर आपको क्या बताना है ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट नहीं है इसका मतलब कॉची नहीं है। टू प्रूव दैट इट इज नॉट कॉची सीक्वेंस, टू प्रूव दैट इट इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस, अब कॉची सीक्वेंस नहीं है इसका मतलब हम जो है एक एक्सएन माइनस एक्सएम इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर ऑल एन नॉट एन एम फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहाँ पे हम वी टेक हियर वी टेक एन इक्वल टू टू एम, एन इक्वल टू क्या ले लिया टू एम ले लिया, अब टू एम ले लिया दिस इम्प्लाइज दैट क्या इम्प्लाइज करता है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सएन माइनस एक्सएम, एक्सएन माइनस एक्सएम इज इक्वल टू एक्स टू एम माइनस एक्स टू एम माइनस एक्सएम इज इक्वल टू, अब आप इसको कैसे लिखेंगे एक्स टू एम, इसका मतलब हुआ एक्स टू एम दिस इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर प्लस डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे प्लस डॉट डॉट करके एम वन बाई एम, फिर इसके बाद प्लस वन बाई एम प्लस वन प्लस वन बाई एम प्लस टू, इस तरह से आप इसके एम प्लस वन एम प्लस टू और फिर प्लस डॉट डॉट करके प्लस वन अपान टू एम लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि एम टाइम्स जाएगा ये एम हुआ एम के बाद फिर वन टू थ्री फिर डॉट डॉट एम टाइम जाएगा तो एम एम प्लस मिल करके हो जाएगा टू एम आपका। अब इसके बाद फिर आपने अब माइनस लगाइए ये वाला, फिर लिखिए वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एम, वन बाई एम वन बाई एम, तो एक्स एन माइनस एक्स टू एम इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एम इज इक्वल टू,
देखिए ये टर्म और जब माइनस खोलेंगे तो ये यहाँ से यम तक और ये यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा वन अपॉन यम प्लस वन अपॉन यम प्लस वन प्लस वन अपॉन यम प्लस टू प्लस वन अपॉन यम प्लस थ्री प्लस वन अपॉन यम प्लस फोर प्लस डॉट डॉट प्लस वन अपॉन टू यम। अब आप यहाँ पे बात समझ आ गई होगी, दिस इज, अब देखिएगा अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका डिनोमिनेटर कितना है यम, इसका डिनोमिनेटर यम प्लस वन, इसका डिनोमिनेटर यम प्लस टू, यम प्लस थ्री, अगर सारे के डिनोमिनेटर हम यम प्लस टू कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, चूँकि यम यानी वन बाई यम इज़ ग्रेटर दैन वन बाई टू यम, वन बाई टू यम, ये वैल्यू वन बाई यम यानी इसको वन बाई टू यम करोगे तो ये ग्रेटर दैन वन बाई टू यम हो जाएगी, फिर इसको यानी वन बाई यम प्लस वन इज आल्सो ग्रेटर दैन वन बाई टू यम, तो इस तरह सारे अब किसको आप 2m में बदल दीजिए, दिस इज ग्रेटर देन, ये बड़ी वैल्यू होती जा रही है, तो बड़ी वैल्यू होती जा रही है 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 2m डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन 2m कितने टाइम m टाइम्स m टाइम्स, यानी m टाइम इसको लिखेंगे, तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिस हुआ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब हुआ एक्स एम माइनस एक्स एम एक्स एन माइनस एक्स एम इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स टू एम इज ग्रेटर देन यम इंटू वन बाई टू यम यम इंटू वन बाई टू यम, क्योंकि इसको यम टाइम लिखोगे तो यम टाइम अगर सेम है तो आपको यम इंटू दिस हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाएगा आपका वन अपॉन टू, यानी एक्स एन माइनस एक्स एम इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स टू एम इज ग्रेटर देन वन बाई टू। अब हमने फॉर ईच एप्सिलॉन लिया था, इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू, यानी एक्स एन माइनस एक्स एम इज ग्रेटर देन हाफ फॉर यम यम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू यम के लिए, देखिए हमें एक एप्सिलॉन हाफ मिल गया जिससे ये छोटा ये हो गया बड़ा हो गया, इसका मतलब हमें सारे ईच एप्सिलॉन होना चाहिए था, हियर दिस एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू वन बाई टू, अगर एप्सिलॉन इक्वल टू वन बाई टू लेते हैं तो उसके लिए कंडीशन जो है अपसर्ड हो जाती है, यानी कासी क्या लेस देन अगर होता आपका तो ये कासी सीक्वेंस होती, अब ग्रेटर देन आ गया इसका मतलब इट इज़ नॉट कासी सीक्वेंस, फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ इट इज नॉट कॉसी सीक्वेंस, इट इज नॉट ए कॉसी सीक्वेंस, इसके लिए देखिए कॉसी सीक्वेंस नहीं रही आपकी, कॉसी सीक्वेंस नहीं रही, कौन सी इट इज माने वो उसको सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस, यहाँ पे ऐसे भी गिवन सीक्वेंस इज नॉट ए कॉसी सीक्वेंस, चूंकि इट इज इसे ना समझिएगा द गिवन या द सीक्वेंस वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव प्लस डॉट डॉट वन अपॉन एन
n is not Cauchy sequence. Cauchy sequence. Okay. Good morning. Good. Sorry. Goodbye. Thank you.